वेदांत योग नेचुरोपैथी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि आपको जूस को किस प्रकार पीना है। कई व्यक्ति इसको फटाफट पी लेते हैं, लेकिन कई व्यक्ति इसे सिप कर करके पीते हैं। जो व्यक्ति जूस को सिप कर करके पीते हैं, उन्हें जूस का पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि जब हम इसे सिप कर करके पीते हैं तो हमारी मुंह की लार हमारी जूस में ऐड हो जाती है। मुंह की लार हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें एंटी बैक्टीरियल तत्व, इम्यूनिटी प्रोटीन ए प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम, फास्फेट, कैल्शियम और एंजाइम टाइलिन होता है, और इस प्रकार हमारे मुंह में ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। प्रतिदिन एक व्यक्ति के मुंह में 1 से 1.5 लीटर तक लार का उत्पादन होता है। लार में मौजूद टाइलिन एंजाइम पेट में पहुंचकर डाइजेशन की परेशानियों को दूर करता है और हमारे खाने को और जूस को जल्दी से पचाता है। लार में 99% पानी और 1% प्रोटीन और लवण होते हैं, और जो हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा करते हैं। तो अब इस प्रकार से आप समझ ही गए होंगे कि हमें अपने जूस को घुट कर करके क्यों पीना चाहिए। हमें पानी को या जूस को इस तरीके से पीना चाहिए ताकि उसमें लार ऐड हो जाए। अगर हमारे मुंह में लार कम बनती है तो उसके लिए भी हमें अपने दांतों को और जीभ को अच्छी तरीके से साफ़ करना चाहिए ताकि हमारी लार ग्रंथियां उत्तेजित हो सके और उनमें अच्छी तरीके से लार प्रोड्यूस हो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर जरूर कीजिए। धन्यवाद।